और गाइस होप ठीक हो आप सारे। तो एक और गन जो मेरे पास है आपको दिखाने जा रहा हूँ, एंड ये वीडियो सिर्फ शूटिंग की नहीं होगी, सिर्फ यहाँ वीडियो को गन के बारे में बताऊंगा, अच्छी तरह आपको दिखाऊंगा, और मैं भी 3-4 दिन में इसको मैं जब रेंज पे जाऊंगा शूट करके आपको दिखा दूंगा। काफ़ी ठंडा है जहाँ मैं रह रहा हूँ इस टाइम, तो बिजी स्केड्यूल होने की वजह से भी थोड़ा सा नहीं जा पाया, बट डोंट वरी, 1-2 दिन की बात है, जाऊंगा जरूर। एनीवेज, तो गन पहले ये देखिए, सो हेनरी की बनी है, हेनरी जो है US की है, मेड इन अमेरिका और नॉट मेड इट ऑल, बहुत प्राउड फील करते हैं अपने आप में कि मैं मेड इन अमेरिका है, और अच्छी गन्स होती है इनकी, लीवर एक्शन यूजली काफ़ी इनकी फेमस है। एंड तो ये जो गन है तो ये है पम्प एक्शन है, और आप देखेंगे भी देखने में काफ़ी स्लीक लग रही है, सो पम्प एक्शन तो है, पर ये शॉर्ट गन नहीं है, ये रिम फायर है। रिम फायर मतलब ये छोटी जो इसमें है 22 LR से जो एक स्टेप ऊपर है 22 मैगनम, वो है इसका कैलिबर। एंड बहुत ही प्यारी बनी हुई है, वुड स्टॉक है, काफ़ी हैवी बैरल है, ऑक्टागोनल जो राउंड बैरल नहीं है, अगर आप देख सकते हो ऑक्टागोनल बैरल है, ऑक्टागोनल 8 साइड्स हैं इसकी। और ये जो है मैंने एक बंदे को काफ़ी पसंद आ गई, कहीं पे गया हुआ था वो, तो उसने पे किया था, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बिल भी इसके साथ ही मेरे पास पड़ा हुआ है, अराउंड 1000 and some dollars है ना, पर उसने यूज़ नहीं की, आई थिंक उसका कोई और प्रोजेक्ट आ गया, वो कहता मैंने दूसरी लेनी है, तो उसने सेल पे लगाई हुई थी काफ़ी टाइम से, तो मेरा मूड बन भी रहा था नहीं भी, तो मैंने उसको तोड़ना शुरू किया अभी, यू नो, सो आई थिंक अराउंड $500 पे उसको मैंने बनाया, तो यूज़ का सीन ये है भी मैंने 1 साल से ज़्यादा हो गया लिए कि यूज़ मैंने भी नहीं की उसको तब से, कि जस्ट टाइम उतना होता है, एंड बट आई थिंक दिस वीकेंड मैं सोचा भी चलो मैं इसे यूज़ करके देखूँ, अगर पसंद है तो रखूँगा, नहीं पसंद तो एटलीस्ट यूज़ करके आई शुड जस्ट लेट गो एंड शुड इन्वेस्ट इन समथिंग एल्स, बट देखने में बहुत ही प्यारी है, देख सकते हो, बहुत ही प्यारी, वुडन स्टॉक वॉलनट का, और एक्शन इसका सिंपल है, यहाँ से लोड होती है, ये देखिए ये मैग बाहर आता है, यहाँ से जो ओपनिंग हुई यहाँ से आई बिलीव 10 इसमें लोड हो जाती है जो एमओ है इसका, फिर वापस गए इसको यहाँ जाके बंद किया, और फिर ये इसका जो एक्शन रिलीज को दबा के थोड़ा सा पहला टाइट है अभी नया ना, ये देखिए पहली बार ऐसे किया तो ये गुड टू शूट है, और एवरी टाइम अब इसके बाद जो है फिर इसको दबाने की ज़रूरत नहीं, बस बार बार इसी को आप पंप को पंप करते रहोगे, और इसमें नई जो है कार्ट्रिज लोड करते रहना और आप शूट करते जाओगे, और कोई इसका रिकॉइल नहीं, क्यों, क्योंकि रिम फायर है। एंड तो दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 22 मैगनम, और यहाँ पे लिखा हुआ है जो गन का नाम है हेनरी रिपीटिंग आर्म्स, और एमओ दिखा देता हूँ, ये स्कोप मैंने यूज लिया था कहीं से, रिम फायर का ही है, इसके ऊपर आप देखोगे तो ग्रुप बना हुआ है ऑलरेडी रिम फायर के लिए, सो मे बी अगर ज़्यादा मुझे पसंद आई तो मे बी किसी ने स्कोप ये लगा दूंगा, और ये है जी इसका एमओ जो है, तो ये है जो 22 LR कह देते हैं, वन ऑफ द चीपेस्ट कार्ट्रिज इन कैनेडा, आप जो बाय कर सकते हो, और ये ब्राउनिंग की मेरे पास है ये वाली, तो ये मैग्नम है, सो सिंपल मैग्नम का क्या आप देख सकते हो, अभी साइज में बड़ी है, पास में से दिखा देता हूँ आपको, तो ये देखिए एक LR और एक मैग्नम, डायमीटर जो बुलेट का सेम है, जस्ट एक में पावर ज़्यादा है, पर स्टिल इसका कोई जो है रिकॉइल वगैरह नहीं है, अगर यंग शूटर है लेडी शूटर है, सो बहुत ही फन कार्ट्रिज है शूट में करने के लिए, सो ठीक है दोस्तों, तो मे बी 2-3 डेज दीजिए, और आपके लिए इसकी मैं शूटिंग की वीडियो भी डालूंगा आपके लिए, कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ पूछना ना भूलिए, और जुड़े रहिए, थैंक यू वेरी मच।